हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और कोई ख़बर है? अच्छा, आज मैं ये कह रहा हूँ, चार खबरें हमारे पास, खाली चार, ध्यान रखना, चार से ज़्यादा की खबर मत ले लेना। नींद नहीं आ रही रात को यार, पता नहीं क्या हो रहा है। कोरोना की वजह से ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है ना? ये जो हमारा ये ब्लॉक है, ये जो है नॉन कोरोना है पूरा। इससे आगे जाएंगे तो वो हमारा कोरोना अलग है, बिल्कुल लास्ट कोने में एक जगह बनाई है, वो अलग है। यहाँ पर शुरुआत जो हुई है, 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी पहली बॉडी की, और आज तारीख है 7 अक्टूबर है। आज तक हमारे पास हो गई टोटल 627 डेड बॉडी, अब तक हम दफन कर चुके हैं। और आजकल वैसे भी ज़्यादा बॉडी आ रही है, इसलिए हमें बॉक्स पहले से मंगा के रखने पड़ते हैं। इसलिए हमने भी ये बॉक्स मंगाए थे, क्योंकि हमारे पास खाली ये एक बॉक्स बचा था, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल 15 से 20 बॉडियाँ ऐसी आई हैं यहाँ पे जिनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि सारे ही पैसे वाले तो नहीं आते, गरीब लोग भी आते हैं, उनके पास तो अपने खाने तक के पैसे नहीं होते। इसकी जिम्मेदारी फिर मेरी होती है सारी। हेलो, अरे जावेद भाई, वो कोरोना पॉजिटिव बॉडी है, उसके चक्कर में मत पड़ो भाई साहब, खुद भी मरोगे सबको मरवाओगे तुम। हाँ, कि अगर ज़्यादा वो बोले ना तो कहना अपने अस्पताल के कागज़ ले जाके वो दिखा दो, अगर उसमें नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम कर देंगे, ठीक है? नहीं तो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव के तरीके से ही दफन करेंगे हम, उस बॉडी को खोलने नहीं देंगे, बात खत्म। वो अप्रोच लगा रहे हैं निलाने के लिए कि हमारी बॉडी को निलाइए, कह रहे अगर आप नहीं निलाने दोगे तो हम खुद निला लेंगे। निला दो जाके किट पहन के निला दो, क्या हुआ? शहीदों में तुम्हारा भी नाम आएगा, कोरोना से मरोगे, क्या दिक्कत है? अबे साले, शहीदों में नाम आ जाएगा हम बखत, ये देख, वैसे तो तुमने कोई अच्छा काम किया नहीं, ऐसे ही कर लो। ये ऐसा सुनहरा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोरोना ने ये सिखा दिया कौन अपना है और कौन पराया। मैंने अपनी आंखों से देखा, बीवी अपने हस्बैंड को देखना नहीं चाहती है, औलाद अपनी माँ को नहीं देखना चाहती है, सोना नहीं चाहती है। पैसे दे दे के भाग रहे हैं हम लोग कि तुम उतार दो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मैयत दफन करने के बाद दोबारा आए ही नहीं। सबसे इमोशनल मोमेंट तो मेरे नज़र में एक वो लेडीज वाला था जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वो लेडीज और उसका बच्चा था, 10 से 12 साल का बच्चा था उसके साथ। बस उसने मेरे सामने ही मतलब कॉल किया अपने रिश्तेदारों को, सब ने उसे मना कर, तो डेड बॉडी यहाँ आ चुकी थी। तो अब हम से वो बोलती क्या बेचारी, क्योंकि हम भी अनजान थे उसकी नज़र में। तो अपना बुरखा उतारा, दुपट्टा उतारा, बांधने लगी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? खेले मेरे साथ कोई है नहीं, मैं खुद अकेले उतारूंगी बॉडी। बहुत केस हुए हैं जिसमें हमारी हालत ख़राब हुई उन्हें देख के, हमारे मतलब हमारे खुद के आंसू निकले बहुत बार। शुरुआत में जब हमने ये कोरोना का काम शुरू किया था तो लोग हमारे पास बैठते नहीं थे, ये हालत थी। मजाक भी उड़ाते थे, हमें कोरोना बोलते, कोरोना वायरस बोलते थे कि बड़े कोरोना वायरस है ये वायरस। ये है जी पहली खबर, ये देखो नूर बानो, ये सबसे पहली डेड बॉडी थी हमारे हाथ से।
उसके अगले दिन फिर हमने साथ की, फिर उसके बाद हमारी एवरेज बढ़ती चली गई। जब शुरुआत हमने की थी और जिस हिसाब से हमारे पास जो मैयत आ रही थी एक एक दिन में 15, 16, 18, तो हमें ये था कि हमारे पास जगह कम ना पड़ जाए, इस वजह से हम बहुत करीब करीब मिला मिला के खोद रहे थे उस टाइम पे। मेरे किसी ने नहीं देखी इतनी डेड बॉडियां, किसी ने नहीं देखी एक साल। एक एक एम्बुलेंस के अंदर जब हम शुरुआत में यहाँ काम किया कि एक एक एम्बुलेंस में 5-5 डेड बॉडियां आती थी, 5-5, 6-6, 7-7 बॉडियां बॉडी के ऊपर बॉडी रख के आती थी। ये चीज़ ना तो मेरे दादा ने देखी, ना मेरे फादर ने देखी, ना मैंने देखी है। ये कोरोना, क्या कोरोना को तुम क्या समझ रहे हो? ये आने वाले टाइम में एक नॉर्मल वो बीमारी बन जाएगी, देख लेना। जैसे आज बुखार, हाँ, जैसे पहले शुरुआत में वो डेंगू और स्वाइन फ्लू वगैरह आए थे तो एकदम हाहाकार मच गया था, और फिर एकदम वो आजकल का अगर किसी को हो जाए। सबसे बेकार तो हुआ था चिकनगुनिया, चिकनगुनिया डेंगू, उसने तो दुनिया लंगड़ी कर दी। बहुत बेकार बुखार था चिकनगुनिया में, सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे, मुझसे खुद नहीं चला जाता था। आज भी दर्द है उंगलियों में। बहुत बेकार बुखार था भाई वो। अगर तुझे कोरोना हो जाए वसीम भाई, वैसे मेरा वहाँ मेरी तरफ से मैं अपने पर्सनली पूछ रहा हूँ, क्या रहेगा तेरा रिएक्शन, क्या रहेगा, क्या रहेगा? हाँ, वो ये अपना अच्छे से खाना पीना शुरू कर देंगे और बढ़िया करके, जितना खाया जाए खा लो, जाना तो है ही। जाहिर सी बात है, अगर तुझे कुछ हो जाए इसमें कोरोना काल में तो तू मेरे को अच्छे से दफन कर दियो, मुझे हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, मैं तुझे अच्छे से कर दूंगा। और नहीं, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना, हमें होगा ही नहीं ऐसा कुछ नहीं है।